हेलो प्यारे बच्चों, डिविजन क्लासेस प्रयागराज से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। फिजिक्स की, मैकेनिक्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें कि सेकंड टॉपिक फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशंस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। क्योंकि 18 अगस्त को जो है गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का सेकेंड टेस्ट है, जिसमें कंप्लीट मोशन इन वन डायमेंशन आ रहा है। ठीक है, तो इसके पहले ऑलरेडी हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटीज के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुके हैं, तथा इसके पहले हम जो क्वेश्चन कराए थे उसमें टोटल हमने काइनेमेटिक इक्वेशन के सारे कंडीशंस के क्वेश्चंस कराए थे। उसमें और भी और क्वेश्चन कराए, जैसे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस हैं, किसी बॉडी को एच हाइट ऊपर जाकर के ऊपर फेंक दो बॉडी पर नीचे आ जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। और टेस्ट के पहले ऑलरेडी ग्राफ के भी क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है बेटा, तो मोशन एंड डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका टेस्ट भी होने वाला है। खूब बढ़िया से इसको आप तैयार कीजिए, कई क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करा दे रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन कराएंगे वह इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो उसमें क्या करता है कि क्वेश्चन में इक्वेशन दे देता है, और इक्वेशन देने के बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा। तो कैसे पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है? क्योंकि कभी भी बेटा याद रखिएगा कि वह इंस्टेंटेनियस लिखेगा नहीं, वो कहेगा t इक्वल टू 2 सेकंड में बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बताओ, है ना। एक टाइम देगा, पर्टिकुलर टाइम देगा। तो किसी भी बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जब किसी इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाता है तो उसी को इंस्टेंटेनियस कहा जाता है। और ये आता है बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन देता है। और अगर एक्सेलरेशन को बेटा इंटीग्रेट कर दो ना, इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेशन कर दो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बिकॉज इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अपोजिट प्रोसेस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, है ना। कंप्लीट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आज तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। कब डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है, ये कांसेप्ट बता दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन करा रहे हैं। और आज जो क्वेश्चन हम टच कर रहे हैं बेटा, जेई मेन में पूछे गए क्वेश्चन सब कराएंगे, ठीक ना, जिससे कि जेई मेन के भी क्वेश्चन सॉल्व हो और वही क्वेश्चन जो नीट एग्जाम रिपीट कर देता है उसका भी बेनिफिट आप लोगों को मिले। तो बेटा यहां जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी बॉडी का, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू एक्स, देन उस बॉडी का अगर वेलोसिटी फाइंड करना है, उस बॉडी के वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव से, देखो dx अपान dt, है ना, x को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाता है। और अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, देखो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को a से इंडिकेट करेंगे और जो एक्सेलरेशन होगा वह वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से आएगा, तो एक्सेलरेशन होगा बेटा डीवी अपॉन डीटी। देख लो, जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आता है। और इसको यह भी कहा जा सकता है इस तरह से डी टू एक्स अपॉन डीटी स्क्वायर। देखा, डी टू एक्स अपॉन डीटी स्क्वायर का मतलब x को डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो तभी भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स आल्सो एक्सेलरेशन।
क्लियर। इसलिए हर स्टूडेंट को डिफ्रेंसिएशन सीखे रहना चाहिए, इंटीग्रेशन सीखे रहना चाहिए, जिसे इक्वेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ इलास्टिक पे, वहां आप डिफ्रेंशिएट कर सको, इंटीग्रेट कर सको और क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अगेन अगर वेलोसिटी दिया है टाइम का फंक्शन, देख रहे हो वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन दिया है, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देख लो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ VdT, अब देखो यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाए, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन दिया है टाइम का फंक्शन, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ऐसे में अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन को उल्टा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ADT। क्लियर हुआ सबको? तो आओ इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म हम लिख रहे हैं, यहां पर कॉन्सेप्ट के फॉर्म लिख दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कब इंटीग्रेट करना है और कब डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिस्प्लेसमेंट से बेटा अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसको कर दो डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, देखो ए यानी एक्सेलरेशन, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसका कर दो बेटा इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इसका कर दो इंटीग्रेशन। तो इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि कब हमको डिफरेंशिएट करना है और कब इंटीग्रेट करना है। तो देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसका बेटा डिफरेंशिएशन कीजिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, आई मतलब इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इसका क्या कीजिए बेटा इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कॉन्सेप्ट है, इसे एकदम याद रहता है कि किसी भी फंक्शन को कब हमको डिफरेंशिएट करना है और कब हमको इंटीग्रेट करना है। और डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है बेटा डिफरेंशिएशन में, कि जैसे d by dx ऑफ x और m का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही सबसे ज्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन में, जिसमें कि ये इसका फॉर्मूला होता है, n कोएफिशिएंट बन जाता है, बाहर आ जाता है और x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, n को 1 माइनस हो जाएगा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। यही सबसे ज्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में, n x पावर n माइनस 1। जैसे x पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में तो 5x पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन होगा, x पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है तो 3x² इसका डिफरेंशिएशन होगा, कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो अकेला अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है, लेकिन कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ अटैच है तो वह कांस्टेंट उसी फंक्शन के साथ अटैच रहता है, फिर उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। तो आए क्वेश्चन करते हैं, आज जो क्वेश्चन हम टच करेंगे वो सब जेईई मेन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, है ना, जिससे कि डिफरेंशिएशन डिएशन पे बेस्ट क्वेश्चन आपके तैयार हों। लेकिन इसके लिए बार बार हम कह रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, देखिए जेईई मेन में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में, टू बसेस पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन द स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, देख रहे हो एक बस पी है एक बस क्यू है, तो पी वाले बस का एक्स का इक्वेशन दे दिया है, क्यू वाले बस का एक्स का इक्वेशन दे दिया है। अब कह रहा है कि कितने टाइम पर दोनों बस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। तो तुरंत समझ में आ गया कि भाई x के इक्वेशन दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन दिए हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तभी तो वेलोसिटी आएगा। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, दोनों की वेलोसिटी फाइंड कर लो, दोनों की वेलोसिटी कह रहा है इक्वल कर दो, तो इक्वल कर दिया जाए, जब इक्वल करोगे तो अपना आप t निकल जाएगा। तो आप क्या करो, थोड़ा सा
वीडियो को रोको, वीडियो को पास कर लो, उसके बाद से इस क्वेश्चन को आप साल करो अपने मन से। अगर साल कर ले गए तो सीख गए, नहीं साल कर पाए तो आप सोल्यूशन देख लो। ठीक बेटा, ये तरीका आप अपनाइए, वीडियो को रोकिए और तुरंत क्वेश्चन को आप साल कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है। तो आइए साल करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सोल्यूशन यहां हम लोग कहेंगे गिवन बस P और बस Q, दो बस हैं P और Q, तो इक्वेशन दोनों का दिए हुए हैं। आप पहले इक्वेशन लिख लें, P के लिए इक्वेशन और Q के लिए इक्वेशन दोनों का दिए हुए हैं। इसको एक्स क्यू लिख दे रहे हैं, देख रहे हो। अब क्या दिया है, सिर्फ पिछले पेज पे चलते हैं। देखो यहां पी का इक्वेशन दिया है अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक्स का इक्वेशन दिया है और इसका इक्वेशन दिया है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। इसमें अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है। अब इसकी वेलोसिटी चाहिए, है ना, तो पी की वेलोसिटी चाहिए, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। देखो अल्फा टी का डिफरेंशिएशन अल्फा होगा और यहाँ पे बीटा ऐसे पड़ा रहेगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी हो जाएगा। तो इस तरह से देखो इसकी वेलोसिटी आ गया, इसको हम कहा है फर्स्ट इक्वेशन। जब हम Q की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, Q की वेलोसिटी, तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ टी का डिफरेंशिएशन F होगा, है ना, टी का यहाँ वन हो जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, क्योंकि स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, टू बाई वन कम हो जाएगा। ये हो गया बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के इक्वल कर देना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और देखो क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ना, वेलोसिटी को सेम करना है, और जब सेम करोगे तो अपने आप टाइम निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट को जब सेकंड के इक्वल बेटा करोगे तो आ जाएगा बेटा अल्फा प्लस टू बीटा टी, अल्फा प्लस टू बीटा टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। ओके, अब हम लोग को टी फाइंड करना है तो टू टी को उधर लेते आओ, तो आ जाएगा टू बीटा टी प्लस टू टी इक्वल टू, ये अल्फा इधर आ जाएगा और हो जाएगा बेटा एफ माइनस अल्फा, और इसमें आप देखो तो टू टी कॉमन हो गया। ओके, तो यहां से देखो टू टी कॉमन लिख लिया तो ब्रैकेट में बच गया वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा। तो यहां से अगर देखा जाए तो टी का वैल्यू आ गया एफ माइनस अल्फा अपॉन टू रहेगा ही और ब्रैकेट में वन प्लस बीटा। तो क्या किया हमने भाई, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया दोनों इक्वेशन को, और जब डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी को इक्वल कर दो, तो वेलोसिटी को इक्वल कर दिया। जैसे ही वेलोसिटी इक्वल किया आपने देखा क्या आ गया, टाइम आ गया, है ना। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है, एफ माइनस अल्फा अपॉन टू वन प्लस बीटा। तो एफ माइनस अल्फा अपॉन टू वन प्लस बीटा, एफ माइनस अल्फा यहाँ पर है लेकिन टू नहीं है, ये आंसर यहाँ दिख रहा है, देखो, है ना, एफ माइनस अल्फा अपॉन टू ब्रैकेट में वन प्लस बीटा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा भी आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तैयार है तो आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, यहां देखो वेलोसिटी दिए हुए हैं, है ना, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। अब देखो बेटा वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो सोचो क्या करना पड़ेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करो।
अपोजिट चलना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है इंटीग्रेट करो, अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करो, यानी अब यहाँ इंटीग्रेशन हम लोग को करना पड़ेगा। और भी कह रहा है तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच बताओ, तो जब 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो टाइम का लिमिट दे दिया है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन चलता है वो चलता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लोअर लिमिट और माइनस अपर लिमिट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया जाता है। तो आराम से ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी देखिए जेई में 2021 में पूछा गया है ना, 25 जुलाई का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी है अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर, वेलोसिटी इज अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। फिर से देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन, हाँ अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर और 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड के बीच हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इसको क्या करें, आराम से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लें। इसके लिए वेलोसिटी को पहले हम लोग लिख दें डीएक्स अपॉन डीटी, तो वेलोसिटी का डिफिनेशन ही है इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ओके, अब द तरीका जरा सीखो बेटा, dx इज इक्वल टू इधर अल्फा टी रहने दो प्लस बीटा टी स्क्वायर लिख दो, और ये dt देखो इधर आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाइड हो गया। अब दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन का आप सिंबल लगा लो, इंटीग्रेशन यहाँ आ गया dx, यहाँ आ गया इंटीग्रेशन अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और यहाँ रहेगा dt। एक बात और देखो, इधर इंटीग्रेशन देखो टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इधर टाइम का लिमिट चलेगा, तो टाइम का लिमिट दिया है 1 सेकंड लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कितना दिया है बेटा 2 सेकंड। तो 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड के बीच इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो डीएक्स और इंटीग्रेशन के बीच में बेटा यहाँ 1 है और एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स। तो इस तरह से अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो देखो एक्स आ रहा है, तो यहां से आ जाएगा एक्स, x इज इक्वल टू ये अल्फा कांस्टेंट ऐसे पड़ा रहेगा, और t का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो t पावर 1 है, और इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाता है, जैसे 1 है तो 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर और अपान 2 प्लस यहां पे देखो बीटा t स्क्वायर है, तो यहां बीटा कांस्टेंट रहेगा और t स्क्वायर का हो जाएगा बेटा t क्यूब अपान 3, है ना, देखो पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसको क्या करेंगे, ऐसे कैपिटल ब्रैकेट में लिख करके यहाँ लोअर लिमिट लिख देंगे और यहाँ पर अपर लिमिट लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, बस लिमिट अप्लाई कर लेना है। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, अल्फा अपान बी टू यहाँ रहने देंगे, और यहाँ पर बेटा जहाँ टी है उसके स्थान पर 2 कहेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आ गया बेटा बीटा अपान 3, और जहाँ टी है उसके स्थान पर 2 लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस क्या करता है लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, देखो 2 का क्यूब यहां आ जाएगा इनटू 8, और उसके बाद लोअर लिमिट जब लगाते हैं तो बेटा माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट में माइनस लगा के तब लोअर लिमिट लगाते हैं, तो जहां टी है वहां 1 कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना अल्फा अपॉन 2, अब माइनस यहां पे टी का साथ 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब 1, तो हो जाएगा बीटा अपॉन 3। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लें तो देखो डिस्प्लेसमेंट बाकी का आ गया, तो ये आ गया देखो 2 से 4 कैंसिल होके 2 अल्फा आ गया। ओके, और यहां से आ गया माइनस अल्फा बाई 2, दोनों को एक जगह कर लें, और यहां से है ना 8 बीटा अपान 3 और माइनस बीटा अपान 3, तो यहां से x का वैल्यू आ गया डिस्प्लेसमेंट, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 अल्फा माइनस अल्फा, तो हो गया बेटा 3 अल्फा बाई 2, और यहां से अगर देखा जाए तो 8 में से 1 माइनस होकर के 7 बीटा अपान कितना आ गया 3। तो ये देखो इंटीग्रेट करने से, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, और देखते हैं आंसर क्या है, 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, ए ऑप्शन देखो यहां पर सही है, ऐसा और कहीं ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर हम लोग का सही है। तो ये पता चल जाता है क्वेश्चन से कि हम लोगों को किस प्रकार का इंटीग्रेशन करना है, जब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दिया रहता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को लिमिट लगाना पड़ता है,
लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करना पड़ता है, इसी को बोलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन है। देखो पोजिशन यानी डिस्प्लेसमेंट बॉडी का दिया है एक्स, ये ब्रैकेट में टी इंडिकेट करता है टाइम का फंक्शन, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी नाम ले लिया एक्सेलरेशन का, जब एक्सेलरेशन का नाम ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग को क्या करना होगा, दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन को जीरो कर देना है, जब एक्सेलरेशन को जीरो कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, और वह टाइम जब यहाँ पुट कर देंगे तो क्या पूछ रहा है इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाले फंक्शन में जब पुट करते हैं टाइम का वैल्यू तो वेलोसिटी आ जाएगा। ये भी देखिए जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे कि एग्जाम अगर ऐसे क्वेश्चंस आवे तो आप सॉल्व कर सकें। बस यह है कि आपको अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन का बहुत जो हार्ड कॉन्सेप्ट होता है वो फिजिक्स में यूज नहीं होता, जो नॉर्मल छोटे छोटे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के होते हैं वो ऑलरेडी यूज होते हैं। तो आइए बेटा इक्वेशन लिखते हैं हम, x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ t हटा देंगे क्योंकि जो ब्रैकेट में t लिखा है बस वो बताना चाह रहा है कि ये इक्वेशन टाइम का फंक्शन है, बस ये बताना चाह रहा है। तो x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, तो सोल्यूशन में कहेंगे गिवन पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू। देखो x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू। अब इसमें यह देखा जाए कि कह रहा है एक्सेलरेशन, तो नाम लिया है जब एक्सेलरेशन का तो जाहिर है कि जब एक्सेलरेशन नाम लिया है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी डायरेक्ट अब लिख दे रहा है। तो देखो ए टी का डिफरेंशिएशन होगा a, और यहाँ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये हो जाएगा बेटा 2bt, और माइनस ये हो जाएगा 3ct स्क्वायर, क्योंकि पावर कम होगा ना यहाँ पर। और उसके बाद से अब एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर दें वेलोसिटी को, तो a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट अकेला है, और ये हो जाएगा 2b, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये 2 बाहर आ जाएगा और हो जाएगा 6ct। ओके और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन को जीरो करना है तो कर दो जीरो, देखो एक्सेलरेशन को जीरो कर दो ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, तो आ गया 2b माइनस 6c इंटू टी, 6c इंटू टी इधर लेते आओ तो 6c इंटू टी इज इक्वल टू बेटा आ गया 2 इंटू बी, तो यहां से क्या टाइम का वैल्यू नहीं आ गया, देखो टाइम आ गया और 2 से 6 कैंसिल हो गया तो t इज इक्वल टू b अपॉन 3c, t इज इक्वल टू b अपॉन 3c। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में टाइम ही पूछ देता है, बताओ कितने टाइम इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो t is equal to 2b upon 6 ही होगा, तो 2 से 6 कैंसिल होकर के b upon देखो 3c ये टाइम आ गया। अब ये टाइम का वैल्यू अगर वेलोसिटी वाले फंक्शन में रख दें तो देखो वेलोसिटी आ गया क्योंकि वेलोसिटी पूछ ही रहा है उतने टाइम पर। तो इसके लिए अब ये वैल्यू टाइम का इस वेलोसिटी वाले फंक्शन में पुट कर दे रहे हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन वेलोसिटी ऑफ फंक्शन, तो यहां पर देखो है बेटा a प्लस 2b और t का ये वैल्यू यहां पुट कर दो b अपॉन 3c और यहां पे माइनस 3c इंटू t स्क्वायर, तो t का वैल्यू हो जाएगा b अपॉन 3c, लेकिन यहां पर क्या होगा स्क्वायर, तो इस तरह से वेलोसिटी आ गया a प्लस 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस ये आ जाएगा 3c इंटू b स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू c स्क्वायर, तो यहां से बेटा वेलोसिटी इक्वल टू आ गया a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस 1c से 1c कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3c, that is velocity is equal to a, और इस टोटल में से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो बच जाएगा a plus b square upon 3c। ये देखो उस समय velocity आ गया जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है जीरो है,
तो v is equal to a plus b square upon 3c, इसका देखो आंसर आ गया। तो आओ देखते हैं कौन आंसर मिला, a plus b square upon 3c, तो a plus b square upon 3c यहाँ पे दिख रहा है, देखो b ऑप्शन यहाँ पर सही है, है ना। तो क्या किया देखो, जब displacement का नाम लिया है और displacement के बाद से acceleration का नाम लिया है, तो इसको उंगलियों पे याद कर लो, यह है displacement, then velocity, then acceleration, तो clear हो गया भाई, दो बार differentiate करना है, तो दो बार differentiate करोगे तो अपने आप देखो acceleration आ गया, बीच में velocity आ गया, acceleration zero कर दिया, तो time का value आ गया, वह time का value velocity equation में रख दिया, तो velocity आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन ऐसा होता है, थोड़ा सा आप differential equation अगर सीख जाए तो उसको फटाफट अप्लाई करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसा महसूस होगा जैसे कोई गेम खेल रहा है ना, एकदम खेल खेल में आप क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक ना। मोबाइल आपको कभी देखने की इच्छा नहीं करेगा, इच्छा करेगा बस हमेशा क्या करते रहे, क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहे। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए बेटा, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में, क्लियर, जे 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें आप देखिए तो डीवी अपॉन डीटी, ठीक है, डीवी अपॉन डीटी मतलब होता है एक्सेलरेशन, दिया है -2.5 रूट ओवर वी, मतलब एक्सेलरेशन जो है निगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन बॉडी के वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा, और शुरू में देखो वेलोसिटी 6.25 मीटर पर सेकेंड है, और कह रहा है कि वह टाइम बताओ, देखो टाइम बताओ कि जब बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नहीं बॉडी किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। तो क्यों बॉडी रेस्ट में आ रहा है, क्योंकि इक्वेशन आप खुद देखो, जैसे लग रहा है कि उसमें माइनस लगा है, तो वह क्या करेगा, स्पीड को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, अंत में बॉडी को रेस्ट में ला देगा, और पूछ रहा है कि कितने टाइम में बॉडी रेस्ट में आएगा, है ना। तो डीवी अपॉन डीटी क्या है, एक्सेलरेशन है, तो उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू जीरो रख दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसमें वेलोसिटी देखो इनिशियल दिया t बराबर 0 पे 6.25 प्लस दिया, तो जब तक आप लिमिट नहीं लगाओगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, dv / dt -2.5 रूट ओवर v, और इक्वेशन आगे लिखते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे गिवन dv / dt इज इक्वल टू -2.5 रूट ओवर वी, ठीक है ना। अब स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, तो इसके लिए यहां से हम लिखेंगे डीवी, अच्छा ये देखो इंटीग्रेशन में क्या है भाई, डीवी यहां है और ये वेलोसिटी यहां है, तो रूट ओवर वी को डीवी के साथ लाओ, तो डीवी और अपान यहां कर दो रूट ओवर वी इज इक्वल टू डीटी चला जाएगा कॉन्स्टेंट के साथ, तो हो जाएगा -2.5 डीटी, और रूट ओवर वी को ऊपर ले जाओ, और रूट ओवर वी का मतलब होता है वी पावर 1/2, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा वी पावर -1/2, और यहाँ हो गया बेटा डी वी इज इक्वल टू -2.5 डी टी। और अब यहाँ लगा दें क्या इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर लें, देख रहे हो इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा लेकिन कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। फिर हमने बताया कि बेटा यहाँ लिमिट चलेगा, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप देखो टाइम का लोअर लिमिट जीरो होगा, टाइम का अपर लिमिट टी क्या करना है फाइंड करना है, टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी दिया है 6.25, है ना, और किसी टी टाइम पे बॉडी को किस में लाना है रेस्ट में, तो वेलोसिटी का अपर लिमिट हमने जीरो कर दिया और टाइम का लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट क्या कर दिया टी कर दिया। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेन है अब इंटीग्रेशन, तो आइए बेटा इसका इंटीग्रेशन आप सीखिए। तो जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो हमने क्या सिखाया इंटीग्रेशन में, कि जो पावर होता है उसमें वन आकर के जुड़ जाता है, तो -1/2 में जब वन ऐड करोगे तो -1/2 + 1 = 1/2, और जो पावर होगा ऐड करने के बाद वन वो उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 में वन ऐड करेंगे तो 1/2 आया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी पावर 1/2 / 1/2, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो ये हो गया वी पावर 1/2 / 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और हमने बताया कि लिमिट कैसे लगाया जाता है, यहाँ लिख दिया जाता है लोअर लिमिट, तो 6.25 यहाँ आ गया जीरो, और इधर है -2.5, और इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो जैसे वहां था dx का इंटीग्रेशन x लिख दिए थे, तो dt का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम t लिख देंगे, और t लिख करके यहाँ लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट अप्लाई कर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 2 देखो न्यूमरेटर में चला गया, है ना,
और उसके बाद से यहाँ पे बच गया बी पावर वन बाई टू यानी रूट ओवर बी, इसको लिख लो। और यहाँ लिख दो बेटा लोअर लिमिट 6.25 और यहाँ 0 इज इक्वल टू -2.5 और यहाँ हो जाएगा टी 0 टू टी। अब लिमिट अप्लाई कर लो, तो देखो लिमिट अप्लाई करना आसान है, जहाँ बी है वहाँ 0 लिखो, आ गया ना 0, माइनस जहाँ बी है वहाँ 6.25 लिख दो, तो रूट लगा ही रहेगा, इक्वल टू -2.5। यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो 0 हो जाएगा, और यहाँ से अब देखें तो 2 और ये माइनस आ गया बाहर, इसका रूट हो गया बेटा 2.5 इज इक्वल टू -2.5 और ये आ गया कितना टी। और ये सारे टर्म देखो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2.5 कैंसिल होकर के टी इज इक्वल टू कितने सेकंड आ गया, आप देख लो 2 सेकंड इसका आंसर आ गया। तो ये भी कैसे सॉल्व हुआ बेटा, इंटीग्रेशन से सॉल्व हुआ, इसका आंसर आएगा कितना 2 सेकंड। ओके भाई देखते हैं क्या आंसर दिया है ऑप्शन में, 8 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये इसका आंसर है 2 सेकंड। आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत सही, v is equal to v naught gt plus ft square, velocity दिया हुआ है, its position x is equal to 0, t is equal to 0, then displacement after time t is equal to 1 second। बहुत सही, displacement पूछ रहा है, यानी आपको क्या करना है, integrate करना है, क्योंकि velocity से, देखो ना, velocity से displacement उल्टा चलना है, तो आप इसको integrate कर दीजिए, v is equal to v naught plus gt plus ft square। तो यहाँ कहेंगे given, और इसका सोल्यूशन देख ले, वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं क्या दिया है इक्वेशन, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, v नॉट इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बेटा वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, तो हमने क्या सिखाया, जब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो ऐसे में क्या करना होगा, इंटीग्रेट, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सीधे सीधे एक्स आ जाए, और ये आ जाएगा वी नॉट का इंटीग्रेशन वी नॉट टी प्लस जी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस ये आ जाएगा एफ और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री। ओके अब इस तरह से देखा जाए कि टी इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, यहां लिख देंगे पुट पुट t इज इक्वल टू कितना 1 सेकंड, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा v नॉट t का स्थान पर 1 रख दें और ये आ जाएगा g अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा f अपॉन 3। देखो वेलोसिटी से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ गया v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस एफ बाई 3, देखिए ये सी ऑप्शन इसका क्या है सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन v इज इक्वल टू अल्फा ओवर x द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, देखो वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना, ये भी देखो जे 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, अ पार्टिकल लोकेटेड एट s इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पोजीशन x डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v that varies v is equal to alpha root over x, the displacement of the particle varies with time s। बहुत सही, देखो v is equal to alpha root over x है ना, और इससे हम लोग को क्या निकालना है, displacement का time का function निकालना है, तो तुरंत आप v को लिख दो बेटा dx upon dt, v को क्या लिख दो dx upon dt is equal to alpha root over x, और dt को इधर लाओ root over x को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा dx अपान रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू अल्फा और यहां क्या आ गया डी टी, तो इसको ले जाओ न्यूमरेटर में, तो एक्स पावर अभी एकदम वैसा ही क्वेश्चन आया तो जो पीछे में सॉल्व कराया, तो बी पावर एक्स पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी टी। आओ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो आ गया एक्स पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम सिंबल लगा लेंगे और इसका इंटीग्रेशन अभी हम सिखाए हैं कि x पावर 1 बाई 2 आया है अपान 1 बाई 2 आया है और यहां आकर के ये 2 हो जाएगा
इक्वल टू अल्फा और ये हो जाएगा कितना टी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा तो 4x, 4 इसका स्क्वायर x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो तो 4 और अल्फा कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कैसे डिपेंड है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देखो टी स्क्वायर, तो आंसर देखो मिल गया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके बेटा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। बहुत सही, रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन देखो पूछ रहे हैं, देख रहे हो टाइम और एक्स का फंक्शन दे करके एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आओ सॉल्यूशन लिखते हैं, टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, और फिर से देखो t is equal to ax square plus bx से acceleration find करना है, acceleration को velocity के टर्म में बताना है ना, a और b यहाँ पर क्या है constant मान के हम लोग को चलना है, constant है वो, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको देखो ये फंक्शन x में है तो बड़ा अच्छा इसका सेट होगा कि आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लो, देखो dt by dx इसका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2ax क्योंकि x स्क्वायर का 2x हो गया ना, और प्लस bx का डिफरेंशिएशन हो गया b है ना, इसको पलट दो तो जब इसको इन्वर्स कर दोगे तो इससे फायदा होगा कि dx by dt आ जाएगा, और यहां से 2ax प्लस b जब ये इन्वर्स होगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, और dx upon dt बेटा एक स्टेप आप आगे बढ़ गए देखो वेलोसिटी आ गया, dx upon dt मतलब वेलोसिटी, तो आ गया 2ax प्लस b पावर माइनस 1 ये वेलोसिटी आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तब ना बेटा एक्सेलरेशन आएगा, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इसके लिए वेलोसिटी दिया है तो इसको और डिफरेंशिएट करें तब आएगा बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये आएगा किससे dv अपॉन dt से, तो आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और किसका फंक्शन रखना पड़ेगा वेलोसिटी का, आखिर फंक्शन ये रखना पड़ेगा तभी तो आप डिफरेंशिएट करोगे, तो रख दो 2ax प्लस b होल पावर माइनस 1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो डिफरेंशिएशन में है क्या कि ये फंक्शन x में है और डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसके लिए यहाँ dx लिखना पड़ेगा, dx से डिवाइड करना पड़ेगा, dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं चेन रूल, क्या बोलता है बेटा चेन रूल, तो यहाँ से a is equal to ये हो जाएगा d by dx, देखो dx से डिवाइड कर दिया और ये हो गया 2ax plus b whole power minus 1, तो आप dx से बेटा अपने तरफ से डिवाइड कर दिए, तो जब अपने तरफ से डिवाइड कर दिए तो पाप कर दिए, जब पाप करो तो तुरंत गंगा स्नान कर लो, जब गंगा स्नान करोगे तो सारा पाप धुल जाएगा, तो क्या है गंगा स्नान, मैं dx से डिवाइड कर दिए तो dx से मल्टीप्लाई कर लो, dt अपने स्थान पे पड़ा हुआ है देखो पहले से dt। ओके अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान हो गया, a is equal to इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन है और ये हो जाएगा 2ax प्लस b होल पावर माइनस 1 माइनस 1, भाई डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है उसमें 1 माइनस होता है, ये हो जाएगा माइनस 2 और फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसलिए इस अंदर वाला का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, b का डिफरेंशिएशन 0 होगा और 2ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2a, और dx upon dt क्या हो जाएगा बेटा वेलोसिटी, क्यों वेलोसिटी हमने लिख दिया क्योंकि वेलोसिटी के ही टर्म में तो आंसर हम लोग को चाहिए। आइए बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, और यहां से देखा जाए तो एक्सेलरेशन आ गया है ना माइनस टू ब्रैकेट में, ब्रैकेट में यहां देखो हमने इधर लिख दिया टू, इधर लिख दिया और माइनस लिख दिया और ए भी लिख लेते हैं, और टू ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में टू ए एक्स प्लस बी होल पावर माइनस टू और यहाँ ए इंटू वी, तो यहां से बेटा एक्सेलरेशन आ गया माइनस टू a इंटू वी, अब इतना जो टर्म है इसको आप देखो 2ax plus b power minus 2 का टर्म जरा देखो, तो देखो 2ax plus b power minus 1 ये देखो वेलोसिटी है, ये पूरा वेलोसिटी है, तो इधर स्क्वायर कर दो तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर कर दो तो ये माइनस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर माइनस 2 हो जाएगा,
इसका मतलब यहाँ जो हम लोग का जो दिख रहा है ये टर्म देख रहे हो, इसको हम लोग इलास्टिक का स्क्वायर कह लेंगे, हो जाएगा इलास्टिक का स्क्वायर। और इस तरह से आ गया एक्सेलरेशन इसका टू माइनस टू ए इंटू वी क्यू। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आया ये क्या आया, निगेटिव आया, ये एक्सेलरेशन निगेटिव आया। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन, एक तरह से ये रिटार्डेशन है। लेकिन जब रिटार्डेशन कहना होगा, जैसे कह दिया कि रिटार्डेशन बताओ, ओके बेटा, तो जब रिटार्डेशन इसको जब हम लोग कहेंगे तो ऐसे में माइनस छोड़ देंगे, तब लिखेंगे टू ए वी क्यू। क्यों? क्योंकि जब रिटार्डेशन हम कह ही रहे हैं तो फिर माइनस उसमें नहीं लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है इसलिए माइनस वाला ही आंसर होगा। इसमें अगर देखा जाए तो आंसर हम लोग को दिख रहा है, और देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, तो ये देखो माइनस टू ए वी क्यू। ओके बेटा, तो थैंक यू प्यारे बच्चों। तो आज देखा जाए तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया, और आई होप इससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। इस क्वेश्चन को आप सीखिए, देखिए इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप बेटा वीडियो को पॉज कर लीजिए, सामने क्वेश्चन आपके है रफ कॉपी निकालिए सॉल्व कर लीजिए, हम सीख जाएंगे। उसके बाद से जब ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप बेटा बुक उठाइए और बुक से डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, जहाँ डाउट हो उसको पूछिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो इसको आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन उनको मिले, इसका बेनिफिट उनको मिले। तो अगला जो वीडियो जाने वाला है बेटा अगले लेक्चर का, वह पूरा ग्राफ के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, है ना, ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इलास्टिक टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिससे कि ग्राफ के कांसेप्ट एकदम आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और जो अटेम्प्ट और टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें आपको बेनिफिट मिले, और भी जो बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिले। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।